हिंदुस्तानी मुसलमान सिर्फ पर्सनल लॉ जिसमें सिर्फ 12 मसाइल आते हैं, निकाह, तलाक, वरासत वगैरह 12 मसाइल सिर्फ पर्सनल लॉ में आते हैं, तो इन 12 मसाइल पर तो जिद करते हैं, लेकिन जो क्रिमिनल लॉ है उसको क्यों नहीं मांग करते, उसके नाफिज करने की क्यों नहीं मांग करते, ये एक सवाल उठाया जाता है। मुसलमान लोग विरोध कर रहे हैं कि नहीं ये हमारे इस्लाम के खिलाफ है, ये है वो है, मौलाना लोग इस्लाम खत्म हो जाएगा। अरे इस्लाम खत्म हो जाएगा, अच्छा इस्लाम खत्म हो जाएगा, इस्लाम में नियम है, इस्लाम का कानून, अगर अनुच्छेद 25 कहता है धार्मिक कानून, इस्लाम का कानून है कि चोरी करे तो हाथ काट दो, है ना, कोई मुसलमान चोरी करे ना तो उसका हाथ काटिए, कहिए काहे काहे काटिए, तो अनुच्छेद 25 तुम्हारी धार्मिक स्वतंत्रता, इस्लाम कहता हाथ काट दो, तो कहेगा ना ना हाँ हमारा हाथ काटेंगे, इस्लाम बाहर में गया, पर हमको भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड की तरह चोरी की सजा दीजिए, 2 साल जेल में रखिए, हाथ काहे काटिएगा, वहां उनको इस्लाम नहीं दिखेगा। वहां भी कहिए ना कि चोर फांसी की सजा इस्लाम में नहीं है, सर काट देना है, महिला कोई गुनाह करे तो पत्थर से मारना है उसको, वहां पे सोचिए चौराहा पे खड़ा करके पत्थर से कूच कूच के मार देता है सब। तो उसका जवाब ये है कि पहला इल्जामी जवाब तो ये है कि क्रिमिनल लॉ जो होता है जिसको हुदूद कहा जाता है, सजाएं कहा जाता है, तो क्रिमिनल लॉ को नाफिज करने की जिम्मेदारी हुकूमत की होती है, पर्सनल आदमियों की जिम्मेदारी नहीं होती। इसी वजह से आज के कानून में भी जो अगर खुदा ना खास्ता किसी ने किसी को कत्ल कर दिया तो जिसने कत्ल किया है उसके मुकाबले में जिसको कत्ल किया है उसका केस नहीं बनता है, बल्कि कत्ल करने वाला और स्टेट का केस बनता है कि हुकूमत उसके मुकाबले में आती है और हुकूमत जो है उससे कानूनी एतबार से लड़ाई लड़ती है। तो लिहाजा सजाओं का जहां तक ताल्लुक है वो उसको नाफिज करना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, और चूंकि हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत नहीं है, जमहूरियत है, खिलाफत नहीं है, तो इस वजह से सजाओं में इस्लामी कानून के नाफिज करने की जरूरत ही नहीं है, एक बात तो ये। दूसरी बात यह है कि अगर आप, जाहिर है कि अगर इस बात का इख्तियार दिया जाए कि मुसलमान अपने तौर पर या अपने समाज में सजाओं को भी कायम कर सके, तो उसके लिए मुसलमान जजों को अपॉइंट करने की जरूरत होगी जो कुरान और हदीस को समझते हों। इसी तरह क्रिमिनल लॉ को काबू में लाने के लिए पुलिस सिस्टम की जरूरत होती है, उसकी जरूरत पड़ेगी। तो लिहाजा ये एक लंबा निजाम हो पाएगा, इस वजह से हम पर्सनल लॉ की डिमांड करते हैं, क्रिमिनल लॉ की डिमांड नहीं करते। एक वजह तो ये कि इस्लामी हुकूमत नहीं, और दूसरी वजह ये कि निजाम और सिस्टम नहीं है, इसलिए कि क्रिमिनल लॉ को काबू में करने के लिए जो है अदलिया का निजाम भी जरूरी है और पुलिस का निजाम भी जरूरी है, और ये दोनों चीजें जाहिर है कि जमहूरियत से अलग इस वक्त नहीं की जा सकती, इस वजह से हम क्रिमिनल लॉ का डिमांड यहाँ पर नहीं करते हैं। तीसरी एक बात कही जा सकती है कि अगर आप चाहते हैं कि मुसलमान क्रिमिनल लॉ भी नाफिज करें तो इंशाल्लाह मुसलमान अपनी जात से अल्लाह के इन हुक्मों को पूरा करने के लिए भी तैयार हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त उसकी जरूरत नहीं है, इस वजह से हम क्रिमिनल लॉ का डिमांड। वरना ये कहा जाता है कि आप सजाओं से बचने के लिए तो जो है CRPC में हिंदुस्तानी लॉ को कबूल करते हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ में आजादी हासिल करने के लिए आप लोग उसका डिमांड करते हैं, तो इसलिए ये इस बात का जवाब हो सकता है। एक और बात इस सिलसिले में ये भी है कि इस्लाम में जो सजाएं हैं और सख्त सजाएं हैं, ये सख्त सजाएं क्यों हैं? असल में ये सख्त सजाएं मुआशरे को पाक साफ करने के लिए है। देखिए इस्लाम ये वाहिद मजहब है जो ये ऐलान करता है कुरान में डंके की चोट पर कि जिस शख्स ने किसी एक आदमी का कत्ल किया है उसने ऐसा किया जैसे सारी इंसानियत को कत्ल किया, और किसी ने अगर एक आदमी की जान बचाई है तो ऐसा है जैसे कि सारी इंसानियत की जान बचाई है। तो हमारे यहाँ पर इंसानों के जान की ये कीमत है। अब अगर कोई शख्स किसी को कत्ल करता है तो यकीनन उसको ऐसी सजा देनी चाहिए कि आइंदा कभी भी कोई शख्स कत्ल करने की के बारे में सोच भी ना सके और हिम्मत भी ना कर सके। इस वजह से आप देखें कि जिन मुल्कों में इस्लामी कानून नाफिज है यानी क्रिमिनल लॉ नाफिज है वहां पर आप देखें जराइम का शरे फीसद बिल्कुल कम है बिलमुकाबिल उन ममालिक के जहां पर इस्लामी कवानीन नहीं है। और फिर इस्लामी कवानीन की जो सख्तियां हैं उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी हिकमत है। मिसाल के तौर पर चोरी करने पर हाथ काटने का हुक्म है, लेकिन आप जानते हैं कि ये कब है? ये उस वक्त है जबकि हुकूमत पूरी तरह से लोगों को रोजगार फराहम करती हो, फिर उसके बावजूद कोई शख्स जाकर चोरी करता है,
तब जाकर ये सख्त सजा है। इसी वजह से हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला के जमाने में, उनके दौर में एक मरतबा ये मसला पेश आया कि जो है किसी इलाके में सूखा पड़ गया, यानी जो है बारिश नहीं हो रही थी, अनाज और तमाम चीजें महंगी हो गई। तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने हुक्म दिया कि जब तक के ये जमाना टल नहीं जाता है तब तक चोरी की सजा नाफिज नहीं की जाएगी। इसलिए कि मुमकिन है कि अगर किसी ने किसी का अनाज या कोई चीज चोरी की, मुमकिन है कि वो भूखा होगा, मुमकिन है कि वो जरूरतमंद होगा, तो इस वजह से ये चोरी की सजा नाफिज ना की जाए। तो लिहाजा इसके पीछे हिकमतें होती हैं।